कुव्वत है तहरीक इंसाफ की, और इस कदर जानदार लोगों का इज्तिमा है जो अपने पीछे हजारों नहीं लाखों लोगों की हिमायत और एतमाद लेकर आज जमान पार्क के अंदर मौजूद है। और जो हालात तहरीक इंसाफ के पेश नजर हैं उसके अंदर कायदे और डिसिप्लिन की इस वक्त असर जरूरत है। एक एक लम्हा कीमती है। हम आईन जमहूरियत और इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और जनाब चेयरमैन के अलावा तहरीक इंसाफ के अलावा सारी कुव्वतें उनको इंशाअल्लाह अजीज आप लोगों के तामुन से शिकस्त फाश दी जाए। इससे पहले कि मैं माइक जनाब चेयरमैन को दूं, मैंने जो आयत आपके सामने तलावत की है उसका मफहूम जरा समझ लें। मैं तर्जुमानी में मफहूम कह रहा हूं। ये सूरह अनकबूत की पहली आयत है, और सूरह अनकबूत की पहली आयत के अंदर अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए, क्या उनको आजमाया नहीं जाएगा? महज ये कहने के ऊपर उन्हें छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान लाए? अल्लाह फरमाते हैं कि हरगिज उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें ये देखा जाएगा, उनके बारे में परखा जाएगा, उन्हें हक को इंसाफ की कसौटी के ऊपर परखा जाएगा कि कौन अपने दावा ईमान में सच्चे और कौन अपने दावा ईमान के अंदर झूठे। और इसके पस मंजर अंदर एक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मौजूद है कि आप काबतुल्लाह की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे हुए थे। हजरत खब्बाब बिन अरद रजी अल्लाह अन्हु आए और अल्लाह के बरगुदीदा हस्ती इमाम अंबिया से ये सवाल किया बराह रास्त कि क्या आप अल्लाह के नबी नहीं है कि आप इन कुफार और मुशरिकों को अल्लाह से कहें इनको नेस्त और नाबूद कर दे, और आपका रब इस बात के ऊपर कादर है। आपको मैं बताता हूं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अल्फाज थे। आपने ये फरमाया कि जब तक तुम हक के रास्ते के ऊपर चलते हुए आजमाए नहीं जाओगे, जिस तरह के पहली उम्मतों को आजमाया गया, उनके जिस्म से गोश्त उनकी हड्डियों से नोश लिया गया, उन्हें आरों से चीर दिया गया, तब जाके ये मुमकिन हुआ कि सना से लेकर हजरमौत तक एक खातून जाएगी कंबल उछालती हुई, सोना उछालती हुई, और उसे अपने रब के अलावा कोई खौफ नहीं होगा। जनाबे चेयरमैन इमरान खान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया, इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन। मैं चाहता हूं जस्ट प्लीज सामने आ जाएं कि कभी भी इस मुल्क की तारीख में किसी भी पार्टी के लीडर ने अपने लोग जिनको टिकट्स मिले हैं उनसे इस तरह की बातें की हो जो मैं आपसे करने लगा हूं। तो इसलिए मैं चाहता हूं इसलिए शुक्रिया। मेरा मकसद आज आपको बुलाना बड़ा खास मकसद है। जरा मेहरबानी करके तब खामोशी से सुनना आपकी मेरी बात, खामोशी से, आराम से, तहमुल से, खामोशी से, क्योंकि हमारा मुल्क अपनी तारीख के उस मरहले पे खड़ा है कि ये दोनों तरफ जा सकता है। ये वो जो पाकिस्तान की ख्वाब है जिसके लिए इतने लोगों ने कुर्बानियां दी, ये उस ख्वाब की तरफ भी जा सकता है और ये तबाही की तरफ भी जा सकता है। नमाज में हम ये कि अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमते बख्शी, उनके नहीं जो तबाही के रास्ते पे चले गए। हर वक्त इंसान को इन दो रास्तों के अंदर फैसला करना पड़ता है। नमाज ही आप इसलिए पढ़ते हैं, नहीं तो नमाज क्यों पढ़े? नमाज में तो अल्लाह से एक चीज मांगते हैं
बाकी तो उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसकी तारीफें करते हैं। मांगते तो आप वो रास्ता है जो इंसान की अजमत का रास्ता है, वो नहीं जो तबाही का रास्ता है, उससे बचाने के लिए। आज हमारा मुल्क उधर खड़ा है। ये याद रखें कि आने वाली इस मुल्क की नस्लें, अगर आप इस जद्दोजहद में कामयाब हो गए तो वो आपको वो लोग समझेंगे कि जिन्होंने कायदे आजम का पाकिस्तान बनाया। और इसलिए आपकी ये जो वक्त है, इसकी अहमियत आपने आप पहचान ली। मैंने इसलिए आपको आज यहां बुलाया कि मूवमेंट ऑफ पार्टीज हम सबके सामने क्या होता है। हमारी कोशिश होती है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं, उसके बाद इलेक्शन जीत के मैं अपना डिप्टी कमिश्नर, अपना थानेदार रखवा लूं, पटवारी, उसके बाद कोशिश होती है शायद वजीर बन जाऊं। वजीर बन के सोचता हूं मेरे लिए क्या बेहतरी है, मैं अपने आप को बेहतर कैसे कर सकता हूं, अपने हलके का सोचूं, डेवलपमेंट फंड लगाऊं ताकि मैं अगला इलेक्शन जीत जाऊं। पाकिस्तान की तो यह सियासत रही है। मेरे 26 साल में मैं हमेशा देखता रहा कि हमारी क्यों नहीं लोगों को समझ आती कि हम क्यों पीछे रह गए, दुनिया आगे चली गई है। मैंने 26 साल में क्या देखा कि हिंदुस्तान हमारी आंखों के सामने आगे निकला। 80 की दिहाई तक मैं जब हिंदुस्तान मैच खेल के आता था पाकिस्तान, तो लगता था एक गरीब तरीन मुल्क से मैं अमीर मुल्क में आ गया हूं। 90 की दिहाई में अपनी आंखों के सामने उनको आगे निकलते देखा। लेकिन जो सबसे तकलीफ देह चीज हमारे लिए होनी चाहिए कि बांग्लादेश, जब वो बांग्लादेश बना था, मुझे अभी भी याद है, कहते थे जी देखे शुक्र अलहदा हुआ, हमारे ऊपर बोझ था। आज बांग्लादेश आगे निकल गया। और जिधर इन्होंने पहुंचा दिया पाकिस्तान, ये वक्त है आप सबके ऊपर अल्लाह ने बड़ी जिम्मेदारी लगाई कि इस वक्त पे अगर हम सही माने में जद्दोजहद कर गए तो यह हम अब मुल्क को निकाल देंगे। क्योंकि अल्लाह का सबसे बड़ा करम मुल्क पे हो गया है कि पाकिस्तानियों में शऊर पैदा हो गया है, जाग गई है कौम। मैं पहले जो मैं आप बस मैं अभी जो बात करने लगा हूं, सबसे पहले मैं ये जो यहां घर में पिछले 40 घंटे जो मैं देखा है इस घर के ऊपर जिस तरह का हमला किया गया है, तो मैं कई दफा सोच रहा था कि देखें इतनी ज्यादा फौज बुला ली यहां, यानी हजारों लोग पहुंच गए, फौजी पुलिस वाले रेंजर पहुंच गए, और ये मेरे घर पे ऐसा हमला हुआ कि मैं समझा मैं कोई दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बैठा हुआ हूं। यानी आर्मर्ड कार मंगवा ली, आर्मर्ड कार सोचे कि एक पॉलिटिकल आदमी है, 50 साल से कौम मुझे जानती है, 50 साल से मुझे जानते, किसी और पाकिस्तानी को इतना देर से नहीं जानते। एक दफा मुझे कोई बताए कि मैंने कभी कानून तोड़ा हो। इस मुल्क में अवाम उस आदमी को सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में पैसा देती है, चंदा देती है, मुझे देती है, तीसरा अस्पताल वहां, सबसे बड़े खराती इदारे इस मुल्क की तारीख में, एक यूनिवर्सिटी नमल, दूसरी अभी अल कादर, सब खराती गरीबों के लिए। और जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड हो उसको फौज पकड़ने आ जाती है लोगों की, ये पुलिस की और रेंजर्स की, जुर्म क्या आता था कि पहले सब समझ जाएं कि प्रोपेगेंडा हो रहा है और असल क्या है। जुर्म यह था कि 18 तारीख तक मेरी बेल थी, 14 तारीख को पुलिस पहुंच जाती है। मुझे तो पता था कि 18 को मैं अदालत में जाना है, 14 को पुलिस पहले पहुंच जाती है। लाहौर हाई कोर्ट में जज उनसे पुलिस से पूछता है कि जब 18 की आपने पेश करना अदालत में, और क्यों आई थी अदालत में पेश करने के लिए, तो 3 दिन आपने उससे क्या करना था, ये जज पूछता है उससे। मुझे पता है क्या करना था,
इन्होंने वो करना था जो आजम स्वाति से किया और जो शहबाज गिल से किया। और जो बदतरीन इस मुल्क की तारीख का, जो मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा वाकया नहीं देखा, जो इन्होंने उस दरवेश, उस मलंग जिल्ले शाह से जो इन्होंने किया, यानी मैं तो सोचता हूं इन लोगों को खौफ खुदा नहीं है कि एक ऐसा आदमी जो जिसने कभी जिंदगी में स्वाय प्यार के उसकी जिंदगी में था ही कुछ नहीं, उसके ऊपर जो तशद्दुद किया गया, सिर्फ आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लें उसकी कि उस आदमी से, उस बेचारे दरवेश से इन्होंने किया क्या। बस बस बस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखें कि उसका सर फाड़ दिया, उसका स्कल तोड़ दिया, उसकी उसका जिगर इन्होंने क्या मारा उसको कि वो सारा अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग, उसकी स्प्लीन फट गई, उसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर तशद्दुद किया, उसकी कमर पे मारा, यानी कौन से लोग ये कर सकते हैं इंसानों पे। और फिर ये बेगैरत आईजी को शर्म नहीं आई और अपने साथ बिठा के झूठ बोलता है कि जी एक्सीडेंट में मर गया हो, पहले मेरे ऊपर 302 लगाते हैं कत्ल का मुकदमा, 3 दिन के बाद कहता है एक्सीडेंट हो गया। लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं, ये इंसान नहीं समझते लोगों को, ये हैवान बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं, ना इनमें इंसानियत है, ना ईमानदारी है, ना काबिलियत है, और डरे हुए हैं एक चीज से कि कहीं इलेक्शंस ना हो जाएं, कहीं इमरान खान इक्तदार में ना आ जाए, बस उसकी वजह से। अब सुने सुने जरा, जब वो यहां पहुंच गए और मुझे पता चला इतनी फोर्स लेके, क्योंकि हम तो समझ रहे थे 18 को मेरी बेल है, तक प्रोटेक्टिव बेल है, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट को मैंने बिठा के अश्योरिटी बॉन्ड दिया, उसने जाके अपनी अश्योरिटी दी कि अदालत में ये प्रेजेंट हो जाएगा। जब ये हो गया तो कानून तो वाजे है कि एक दफा अश्योरिटी बॉन्ड मिल जाए तो आपको अरेस्ट कर नहीं सकते, पहले वो डीआईजी ना मिले उसको, तब हमें पता चल गया कि इनकी नीयत खराब थी, ये कोई कानून लेकिन करने इंप्लीमेंट करने नहीं आए थे, ये मुझे जेल में डालने आए थे। और जेल में क्यों ये पूरी कोशिश हो रही है डालने की, क्योंकि लंदन प्लान का ये हिस्सा है, उन नवाज शरीफ को श्योरिटी दी हुई है कि इमरान खान को जेल में डालेंगे, ये उसका हिस्सा है, इसमें कानून का कोई हिस्सा नहीं है। और 5 और केस कर दिए, 85 केस हो गए मेरे, ये पहली मेरी सेंचुरी होगी केसेस की, और मैंने बड़े सेंचुरीज की हुई है। अब सुने बस 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 सुने 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 जरा जरूरी एक बस अच्छा, अब सुने जरा गौर से सुने मेरी बात, क्योंकि मैंने आपको फिर से खास वजह से बुलाया। मैंने कभी इस मुल्क का कानून नहीं तोड़ा, मैं आज राइटिंग में देता हूं 85 केसेस हैं, एक केस में भी ये कोई भी मेरा गैर कानूनी चीज साबित करेंगे इनको आगे जाने की जरूरत नहीं, मैं ही छोड़ दूंगा पॉलिटिक्स। बस एक मिनट सुने सुने सुने, अब मेरी बात सुने गौर से। देखिए इनका तो हमें नियत समझ आ गई है, नियत यह है कि किसी तरह इमरान खान को जेल में डालो, एक दफा वो जेल में चला बलूचिस्तान ले जाओ और एक के बाद दूसरा केस पे उसको वहीं रखो और उसके बाद इमरान खान को जेल में डाल के इलेक्शन करवा दो, ताकि अगर इमरान खान नहीं होगा तो इनका ख्याल है कि ये इलेक्शन किसी ना किसी तरह इन चोरों को जता देंगे, ये इनका प्लान है। हमारा प्लान क्या है? हमारा प्लान ये है कि सब इलेक्शन की आप जितने भी आए हैं, मैं अब आपके जो टिकट हैं, एक एक का टिकट मैंने खुद अपनी तरफ से, पहले हमारे टिकट मैं और लोगों के ऊपर छोड़ देता था टिकट देना, लेकिन मुझे पता है 2018 के टिकट बड़े गलत बांटे गए हैं और मुझे पता है कि उसमें बदनीयती भी थी और पैसा भी चला था कई जगह पर,
इसलिए इस बारी टिकट मैं खुद दे रहा हूं। मेरी कोशिश होगी जिधर जिधर मुझे शक है मैं आपके इंटरव्यूज करूंगा, खुद करूंगा, और मेरी ये कोशिश है, ना मेरा कोई फेवरेट है, ना मेरा कोई रिश्तेदार, ना मेरा कोई दोस्त, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जो मैं समझता हूं कि मेरिट है वो मैं उसके मुताबिक टिकट दूंगा। मेरा 10 साल मैं क्रिकेट कैप्टन रहा, गलतियां हुई होंगी, लेकिन आज तक 10 साल में कोई नहीं कह सका कि इसने मेरिट के अलावा टीम सिलेक्शन की है। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि मेरिट पे करूंगा, लेकिन मैंने आपको आज एक खास बात के लिए बुलाया। देखें, हम सारी चीजें करते हैं, पॉलिटिक्स में भी आते हैं, वजीर बनना चाहते हैं, वजीर आजम बनना चाहते हैं, अच्छी चीज है, लेकिन हम चाहते क्या आखिर में? हम तीन चीजों के लिए सब कुछ करते हैं, या हम पैसा बनाना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं, अपना रिस्क में इजाफा करना चाहते हैं, यह सबसे बड़ी वजह है। दूसरी इज्जत मिलती है, डीसी सलाम करता है, पुलिस वाले आगे पीछे, वो बहुत बड़ी है कि हमारी इज्जत में इजाफा होता है जब हम एमएनए बन जाते हैं, वजीर बन जाते हैं, यह दूसरी वजह है। और तीसरी वजह यह है कि मुझे प्रोटेक्शन मिल जाती है, अगर मेरी लड़ाई है इलाके में, दुश्मनी है, तो जैसे ही मुझे मैं इलेक्शन जीतता हूं, स्टेट की मेरे पास पावर आ जाती है, मुझे प्रोटेक्शन मिल जाती है, यानी मेरा जब इज्जत में इजाफा भी होता है, मेरी जिंदगी भी बच जाती है। ये असल में ये तीन चीजें होती हैं जिसके लिए इंसान अपनी बिजनेस में भी ऊपर जाता है, पॉलिटिक्स में, जिंदगी में मेहनत करता है। देखिए, मैं आप अपनी जिंदगी से आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले जो सबसे बड़ा खौफ है वो है मौत का। ये एक ऐसा खौफ है जो इंसान को गुलामी भी इंसान कबूल कर देता है मौत के खौफ से, बल्कि बदतरीन गुलामी इंसान की होती है जो वो खौफ की वजह से वो राय हक पे नहीं खड़ा होता। मैं मिसाल देता रहता हूं कूफा के लोगों की, कि उनको पता था हजरत इमाम हुसैन हक पे खड़े, उन्हें पता था कि वो उसूल और सच पे खड़े, लेकिन यजीद के खौफ की वजह से उन्होंने उनकी मदद नहीं की, और हमेशा वो पछताते रहे कि इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा जुल्म हुआ और उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये जो खौफ है, जब मैं मदीना की रियासत की मिसाल देता हूं तो अपने बच्चों को जरूर बताएं कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इंकलाब आया था और ये तारीख का हिस्सा है। 625 में जंगे बदर, 313, 11 साल के बाद ये हिस्ट्री का हिस्सा है, वर्ल्ड हिस्ट्री का। 625 जंगे बदर, 636 में रोमन एम्पायर घुटने टेकता है यारमुक पे, और 627 में दूसरी सुपर पावर पर्शियन एम्पायर कच्चिया में घुटने टेकता है। ये ह्यूमन हिस्ट्री में 11 साल में किधर 313 और किधर दो सुपर पावर्स गिर जाती हैं, ये क्या हुआ था? सबसे बड़ी चीज, इंसानों के खौफ खत्म कर दिए थे। दुनिया के सबसे अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा था कि अल्लाह के हाथ में है, कुरान की कई आयतें, जब उम्मत घबराई हुई थी जंगे खंदक पे, बहुत बड़ी फोर्स आ गई उनके खिलाफ, कन्फेडरेशन थी, तो कुरान की आयत आई कि कितना उनके ऊपर प्रेशर था कि अब कैसे हम बचेंगे। उधर आयत आई कि क्या तुम, अगर तुम भाग जाओगे तो क्या तुम जिंदा रह जाओगे, क्या तुम अगर अल्लाह ना चाहे तुम जिंदा रह सकते हो, और अगर वो ना चाहे तो तुम्हारी कोई जान ले सकता है। खौफ दूर कर दिए, वो दुनिया की इमामत की उन्होंने, जो सारी दुनिया में फैल गए। जो मैंने यहां बाहर देखा, आप यकीन करें कि मैं तैयार था अपना बैग पकड़ के, मैंने कहा मैं लोगों को मैं जख्मी नहीं देख सकता, कि वो उधर से फौज आ रही है जिस तरह कोई कश्मीर फतह करने आ रही है, रेंजर्स आ रहे हैं, इधर से पुलिस, और यहां चंद इतनी टेयर गैसिंग की कि हम अंदर नहीं, अंदर कमरे के अंदर हमारे लिए मुश्किल था, इस तरह का इन्होंने अटैक किया। और वो चंद, मैं आज उनको सलाम करता हूं, जिस तरह वो खड़े हुए हैं लड़के, बस, बस,
بس بس تیرا ایک اشارہ بس بس تیرا ایک اشارہ سنیں سنیں اور کیوں وہ کھڑے ہوئے میں جب یہاں سے تیار تھا میں نے کہا میں اب جاتا ہوں پولیس کو پکڑاتا ہوں وہ سارے نے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں آپ نے نہیں جانا یہ آپ کو تشدد کریں گے مار دیں گے زہر دے دیں گے جیل میں وہ کھڑے ہو گئے سارے اور جو وہ لڑے ہیں میں آپ کو بتاؤں اتنی پولیس بندوقیں چلا رہے ہیں وہ بیچاری سما بھی وہ دیکھ رہے ہیں عورت آ رہی ہے نشانہ لے کے اس کے اوپر وہ کارتوس چلاتا ہے یعنی یہ کدھر ہوتا ہے ایسے وہ کون سے ہم ظلم کر رہے تھے کیا کر رہے تھے پولیٹیکل لوگ ہیں پاکستانی ہیں آپ دیکھیں یا تو وہ لگ رہا تھا فلسطینی ہے اور یا لگ رہا تھا مقبوضہ کشمیر ہے یعنی کس طرح کے جب میں کہہ دیا کہ میں عدالت میں جا رہا ہوں میں کس لیے آ رہے تھے کہ 18 میں عدالت میں جانا میں نے کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں شورٹی بانڈ تھا اس کے باوجود ان بدنیت ہے جیل میں لے جانا چاہتے تھے انہوں نے عدالت میں پیش نہیں کرنا تھا ان کا پلان وہ لندن پلان یہ ہے کہ عمران خان کو وہ جو بگوڑا بیٹھا ہوا ہے وہ اتنا ڈرا ہوا ہے کہ پہلے عمران خان کو جیل میں ڈالوں پھر میں آؤں گا اس کو میں آج پہ دوں لندن میں کہ مجھے جیل میں بھی ڈالو نا جو نواز شریف تمہارا اس بار استقبال ہوگا تمہارے ہوش و باز اڑ جائیں گے اچھا اب جو وہ نوجوانوں نے جی تو جو وہ نوجوانوں نے جس طرح کھڑے ہوئے اور میں کوئی سویا نہیں صبح کے 12 بجے 1 بج خواتین بھی 12-1 بجے تک ساری رات جاگے رہے تھوڑے سے لوگ تھے کئی دفعہ کیونکہ انہیں اتنی ٹیئر گیسیں کہ لوگ بچارے برداشت نہیں کر سکتے تھے اس کے باوجود جس طرح جس جذبے اور جنون سے کھڑے ہوئے ہیں میں آج ان کو صرف اس لیے سلام کرتا ہوں کہ یہ جو یاد رکھیں کوئی چیز جذبے اور جنون اور ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا چاہے آپ سب سے 5,000 پولیس جمع کر کے لے آئیں اور رینجرز کر لیں اور رینجرز یعنی رینجرز کا کیا کام ہے کہ ایک پولیٹیکل لوگوں کے اوپر وہ پہنچ جائیں وہ ہمیں اس طرح کریں جس طرح کہ ہم کوئی دشمن ہیں یہ قوم اپنی فوج سے کیوں پیار کرتی تھی اس لیے کرتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دفاع کریں گے تو کیا ہم کوئی دشمن ہیں ملک کے یہ جو چور اوپر بٹھا دیے ہیں جن کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں چوری کر کے پیسہ باہر ان کی عیدیں باہر ان کے علاج باہر ان کی شاپنگ باہر ان کے ٹبر سارا باہر ان کے لیے کھڑے ہو کے اور ہمارے جیسے لوگوں کے اوپر اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں یہ تو اپنے ملک میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں اپنی سب سے بڑی پارٹی کو اپنے ادارے کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں یہ تو کوئی دشمن دعا کرے گا کہ پاکستان میں یہ ہو جائے یہی اس پاکستان میں ہوا تھا کیا ہوا تھا کہ سب سے بڑی جماعت کے خلاف ہم نے فوج کھڑی کر دی تو کیا سبق نہیں ملا کہ ملک ٹوٹ گیا تھا اور اگر آج سب سے بڑی پارٹی جو واحد فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے ایک فیڈرل پارٹی ہے جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے اگر پہلے اس کے لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کی اس کے بعد یہ ڈرامہ ہو رہا ہے سارے ملک کے سامنے کہ جیسے ہم کوئی دہشت گرد ہے اور یہ اوپر والے چن چن کے وہ پولیس والے لے کے آئے ہیں جو جرائم پیشہ ہیں ان کے اوپر ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ 25 مئی کو انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا ان کو نہ لے کے آئے انہی کو لا کے اوپر بٹھا دیا اور پھر یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جب خوف دیکھیں گے پولیس دیکھیں گے تشدد دیکھیں گے بھاگ جائیں گے یہ اب بھاگنے والی قوم نہیں رہ گئی یہ وہ قوم ہے جس میں شعور آ گیا ہے یہ وہ قوم ہے جو پچھلے 11 مہینے میں نے اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ایک دن میری قوم بھی اس طرح جاگ جائے گی جاگی ہوئی قوم ہے اور بس بس اور جو سب سے بڑی مجھے خوشی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اندر دلوں میں جا رہا ہے اس کا مطلب آزاد کر رہے انسانوں کو یہ میری آج بات سن لے اگر لا الہ الا اللہ آپ کو آزاد نہیں کرتا اس کا مطلب ابھی آپ کے دل میں نہیں گئی زبان پہ ہی رہے
रह गई है, या करा वो तो वो या कर रस्ता इन, आजाद करता है इंसान को। मैं 26 साल से अपना नज़्मुल हैन बनाया कि अल्लाह सिर्फ मैं तेरी इबादत करता हूं और तेरे से मदद मांगता हूं, किसी के साथ और सामने नहीं झुकता। ये वो कौम है। मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट साथी जाती है, इलेक्शन जीते हार होती है, लेकिन जब अवाम में कौम बन जाती है उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जर्मनी और जापान तबाह हो गई थी दूसरी जंग अजीम के बाद, 10-10 सालों में फिर खड़े हो गए और अजीम कौमें बन गई, क्योंकि कौम है। हम अभी तक कौम ही नहीं बने थे। ये तो मैं हाजी साहब का खास शुक्रगुजार हूं कि उसने हमारी गवर्नमेंट, मुझे तो शुक्र अदा करना चाहिए जो कि उसने कौम को जगा दिया। गवर्नमेंट से जाए, कौम तो बना दिया उसने हमें। इसलिए सबसे पहले मौत का खौफ, फिर इज्जत, फिर इज्जत। अब ये सुने, मैं जब से पॉलिटिक्स में हूं 26 साल, जितनी मेरी किरदार कुशी की गई है इस मुल्क में, मैं गारंटी करता हूं कि कभी किसी की नहीं की गई। मुझे तो खैर इन्होंने क्या क्या नहीं किया, किताब छुपा दी पिछली इलेक्शन से पहले किसी से पैसे दे के, हर का इन्होंने जो मेरे ऊपर उछाला है गंद। मुझे सिर्फ तकलीफ यह है कि बुशरा बेगम को जो इन्होंने एक प्लान तरीके से उनके खिलाफ कैंपेन चलाई है, एक वो खातून, मैं अपनी जिंदगी में अगर किसी इंसान को समझाऊं कि वो मेरे से बहुत आगे है ईमान में, वो बुशरा बेगम है। अब उसकी जो किरदार कुशी की गई, जो खातून ना कभी डिनर पे जाती है, ना किसी शादी पे गई है 5 सालों में, ना कोई बार लंदन गई है, ना कोई उसको शॉपिंग का शौक है, ना कोई बैंक अकाउंट है, उसके ऊपर जो उन्होंने किया प्लान करके। लेकिन मैं ही आपको बताना चाहता हूं कि देखें, मैं आपके सामने वो इंसान खड़ा हूं जो साबित करता है कि इंसानों के हाथ में इज्जत इज्जत नहीं है। अगर इंसानों के हाथ में होता तो जितना इनका पैसा है, सारी तो तकरीबन टीवी चैनल्स खरीद चुके हैं ये, हर रोज वो हमारे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करते, क्या फर्क पड़ा? वो चैनल्स कोई लोग नहीं देखते। सुने जरा मेरी बात, हमें ये खौफ निकल जाना चाहिए कि मैं अगर वजीर बनूंगा या एमएलए बनूंगा या एमपीए तो मुझे इज्जत ज्यादा मिल जाएगी, बल्कि जितना जितना आपको अल्लाह नवाजता जाता है आपकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, जिल्लत ज्यादा मिलती है अगर आप जो लोगों से वादा करें वो पूरा नहीं करते। जितनी जिम्मेदारी जितना ऊपर लेके जाता है उतनी आपको ज्यादा जिम्मेदारी डाल देता है अल्लाह आपके ऊपर। सो इसलिए ये भी गलतफहमी नहीं, तो ये सारे जो चोर बैठे हुए हैं इनको तो सारे मुल्क में सबसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, जो 30-30 साल इकतदार में बैठे रहे हैं। लोग गालियां निकालते हैं, आज क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? इन्हें पता है कि जब लोगों के अंदर निकलेंगे लोग अंडे मारेंगे इनको, क्योंकि जिल्लत और इज्जत ना पैसे से किसी को जलील करा सकते हैं, ना कोई पोजीशन आपको इज्जत दे सकती है। और जो आखिरी चीज है, रिस्क। देखें, मैं फिर आपके सामने वो खड़ा हूं, वर्ल्ड कप जब खत्म हुआ तो मैंने हॉस्पिटल बनाना था, मैंने वादा किया हुआ था, तो मैंने कभी वर्ल्ड कप जीते, हालांकि जो क्रिकेट में अल्लाह ने मुझे पोजीशन दी थी, जो मेरा जो मुकाम बन चुका था, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। थोड़ी देर साल के अंदर कोई क्रिकेट के ऊपर बातचीत करके मेरे पास किसी चीज की जरूरत नहीं थी, कोई मैंने काम नहीं किया। सिर्फ पहले मैं अस्पताल बनाने पर लग गया, उसके बाद 96 के अंदर पॉलिटिकल पार्टी लगी, सारा वक्त उसमें और अस्पताल में निकल गया। लेकिन आज तक मैं आपको बता रहा हूं, कई मुझे मुश्किल टाइम आए, पैसे खत्म हो गए, कभी मुझे अपनी जरूरियात के लिए जो पैसे चाहिए थे उसमें कभी नहीं आए। क्योंकि रिस्क तो अल्लाह देता है, उसको तो पता है कि मैं क्या कर रहा था। जब मेरा पैसा खत्म होने लगता था, कोई सीरीज आती थी, वो कहते थे जी इमरान खान ये क्रिकेट के ऊपर आप तबसरे कर दें, वो तबसरे करने में साल का ही खर्चा निकल जाता था 5 दिनों में, या फिर कोई प्रॉब्लम मेरा घर बना रहा था फिर पैसे खत्म हो गए, फिर एकदम आया जी वो हिंदुस्तान से मैच आया, उन्होंने कहा जी इतने हफ्ते के लिए आए, मैंने कहा मैं नहीं जा सकता मेरे बच्चे आ रहे हैं, उन्होंने कहा अच्छा 5 दिन दे दें, 5 दिनों में मेरे 2 साल के पैसे निकल गए, खर्चे निकल गए। ये देखे,
ये ऐसे नहीं होता, ऊपर वाला करता रहे। कभी भी मैं आपको ये कहता हूं कि सबसे बड़ा ये मौत के खौफ के बाद ये ट्रैप है कि मैं अब ये जो कर रहे थे हमारे साथ, जिस तरह की उन्होंने आप बंदूक चला रहा है, औरत वो बेचारी समाविया के ऊपर एक निशाना लेके बंदूक चला रहा है, वो कौन से खतरे में, ऐसी खातून चली आ रही है, क्या इन लोगों को खौफ खुदा नहीं है? क्या इनको नहीं पता कि तुम कोई भी ऑर्डर गलत फॉलो करो, इलीगल ऑर्डर, तुम जिम्मेदार हो। कोई आपको चीज इजाजत नहीं देती कि आप कानून तोड़ें, नहती खातून के ऊपर बंदूकें चला रहा है, या वो 25 मई में जो इन्होंने किया, या लोगों के घरों में 3-3 बजे घुस के औरतों के सामने उन्होंने लोगों को हरासा किया, क्या ये कानून इजाजत देता है? नहीं देता। और इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ अपनी नौकरियों के लिए वो ऑर्डर फॉलो किए जो इलीगल थे। एक जिंदा कौम में कभी ये ऑर्डर फॉलो ना किए जाते। मैं बर्तानिया का आपको बता दूं, मेरा वहां बड़ा टाइम गुजरा, कभी किसी ने, पुलिस ने कभी ऐसा काम नहीं, उन्होंने कहना था ये कानून इजाजत नहीं देता, मैं उन्होंने नहीं करना था। ये जो गलत काम करवाते हैं ऊपर से गंदे किस्म के जराइम पेशा लोगों को आईजी और सीसीपीओ के ऊपर बैठा के, ये किसी भी मुल्क जिधर हकीकी आजादी हो, जिधर कानून आपके बुनियादी हकूक फंडामेंटल राइट्स को हिफाजत करे, कभी नहीं होता। और ये होता है जब आप अपनी जमीर को कॉम्प्रोमाइज करते हैं रिस्क के लिए। हमेशा मुझे मौके मिले, एक दफा उन्होंने मुझे कहा कि जी आप साउथ अफ्रीका आ जाए क्रिकेट खेलने के लिए, हम बड़े पैसे देंगे तुम्हें, बहुत पैसे देते थे तब मैं जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, क्योंकि साउथ अफ्रीका बैन था, उसके ऊपर बैन लगा हुआ था, तो वो जो प्लेयर वहां जाता था बड़े प्लेयर्स अट्रैक्ट करते थे, बड़े पैसे ऑफर करते थे। हमेशा ये आपके रास्ते में दो रास्ते आएंगे जब आपके जमीर का सौदे के लिए आपको कोई पैसे ऑफर हो। मुझे जो मैं पहला टेस्ट लाहौर में कैप्टन कर रहा था, मुझे हिंदुस्तान से आया, जी तुम एक टॉस हमें बता दो, यानी कि उनके साथ मिलके टॉस का फैसला बता दो, हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे, बड़े पैसे थे उन दिनों में। तो ये आपके लिए हमेशा आपका अल्लाह जमीर टेस्ट करेगा। और इंशाल्लाह आप में से जो पावर में आएंगे, जिनको मौका मिले एमपी वजीर बनेंगे, मेरी एक आज बात याद रख लेना, इज्जत आपके हाथ में होगी। जो दयानतदारी से अवाम की खिदमत करेगा, जो आप वादा करके एमपीए बनता है, कोई वादा करके एमपीए में नहीं बनता कि जी मैं फिक्र ना करें मैं जाके बड़ा लूटूंगा पैसा या करप्शन में पैसा बनाऊंगा, वो सारे कहते हैं मैं अवाम की खिदमत करूंगा। तो जो वो नहीं करेगा, आप जो मर्जी कमा लें आपको इज्जत नहीं मिलनी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जरा थोड़ा सा अपनी विजन बड़ी कर लें। आपकी विजन होनी चाहिए जब अल्लाह आपको मौका देगा कि हमें अल्लाह ने पाकिस्तान के उस वक्त हमें लेके आया यहां कि हमने आज अपनी जात का नहीं सोचना, मुल्क का सोचना, अपनी मैं से बाहर निकलाना है। बड़ा इंसान कभी भी आज तक वो नहीं बना जिसने जिंदगी खुद गर्जी और अपनी जात के लिए गुजारी है। दुनिया की तारीख किसी किसी अमीर आदमी को याद नहीं करती। कितने हिंदू या अरबोपति हिंदू थे, लेकिन लोग गंगाराम को याद करते हैं। जो इंसानियत का आज आप चले जाएं, ऊपर से लेकर नीचे तक चले जाएं, उर्स के ऊपर अल्लाह के सूफी जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की थी, आज भी चले जाएं, लाखों लोग आए हुए होते हैं, हजार साल से पहले वो दुनिया से पर्दा कर चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि इज्जत अल्लाह इसलिए देता है, इन्होंने इंसानियत की खिदमत की। जब आप सियासत इंसानियत की खिदमत करने पे चलते हैं, राय हक की पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये इबादत में शामिल हो जाती है। सारे बड़े बड़े जो भी अल्लाह का पैगंबर आया वो सारे सियासतदान थे, सब लीडर्स थे। तो क्योंकि लेकिन वो इंसानियत के लिए आते थे, अल्लाह उनको सारी दुनिया की तारीख जब तक रहेगी इज्जत देता है। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा अराफात पे जब उन्होंने खत्म किया, तो उन्होंने 1 लाख लोग थे, उनसे पूछा कि अल्लाह के सामने गवाही दो कि मैंने अपने दयानतदारी से अल्लाह का पैगाम दिया तुम्हें। तो वो पहले रोज से फिर वो रिपीट करते थे, फिर 10 रोज के बाद जाता था, फिर ऐसे
तो जैसे जैसे वो पैगाम जाता रहा तो एक पूरी सारे लाखों का मजमा में आवाज उठी कि हां है नबी, आपने दयानतदारी से अल्लाह का पैगाम दिया। और फिर वो लोगों ने रोना शुरू कर दिया। क्यों रोना शुरू किया? क्योंकि लोगों को पता था कि अब इन्होंने अपनी मिशन पूरी कर ली है, ये इक्तदार के लिए नहीं आए थे, अभी हमारे से हमारे साथ ज्यादा देर रहेंगे नहीं। ये ही आपकी मिशन है। देखें, आपने अगर इज्जत कमानी है तो जो आप पॉलिटिक्स करें अपनी जात से बाहर निकला है। आपने अगर इसको इबादत में शामिल करना है, अपनी आखिरत बेहतर करनी है, जात से बाहर निकला है। नेल्सन मंडेला 27 साल उसने जेल में गुजारे, 27 साल, और जब बाहर निकला तो जिन्होंने उसके ऊपर जुल्म किया था सबको माफ कर दिया, क्योंकि अपनी जात के लिए नहीं कर रहा था, वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चल रहा था। जब फतह मक्का हुई, उन्होंने जिन लोगों ने जुल्म किया था माफ कर दिया, क्योंकि जात के लिए नहीं थे वो। ये जो जात की पॉलिटिक्स, जात में आता, जात से जो आदमी बाहर नहीं निकलता वो कभी बड़ा इंसान नहीं बनता। मैं ये चाहता हूं कि अपनी विजन बड़ी करें दुनिया की, इससे बाहर निकलाएं कि मेरा टैका होगा, मेरा ये होगा, एक प्रीसेस कोर्ट होगा तो पता नहीं थानेदार सलूट करेगा, इससे बाहर निकलाएं। ये छोटे लोग ऐसे ही करते हैं, बड़ा इंसान ऐसा नहीं सोचता। बड़ा इंसान वो है जिसकी सोच बड़ी है, विजन बड़ी है जिसकी। तो मैंने आपको इसलिए आज बुलाया, मैं आपका जो किबला है ना वो मैं चाहता था दुरुस्त हो, क्योंकि मैंने 26 साल में, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे जिस तरह की तकलीफ हुई, जिस तरह के पॉलिटिशियंस मैंने देखे, असेंबली में ज्यादातर लोग देखे, अपनी पार्टी में लोग देखे, मुझे सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कितने लोग देखे जो अपनी जात से बाहर नहीं निकले। हमारी मीटिंग होती थी, अब जो बजट के ऊपर वोट कर रही है, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, हमारी कोलिशन गवर्नमेंट थी, सबसे जी अच्छा जी मेरा ये स्कीम कर दो, जी मेरा हल्का ये कर दो, वो कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क के ऊपर क्राइसिस है, मेरे हल्के में ये कर दो तो वो कर दो। और मैं सोचता था कि तुम्हें पता भी है कि हम किस हिसाब से उनमें कोरोना का क्राइसिस आया हुआ था सारी दुनिया में, वो कोई फिक्र नहीं है दुनिया में, कर मेरे हल्के में बस ये कर दो। और मैं उनको समझाता था कि आपकी विजन पाकिस्तान की होनी चाहिए, पाकिस्तान चलेगा तो आपका हल्का ठीक होगा, मेरा हल्का ठीक हो जाए पाकिस्तान जाए बाढ़ में। तो मैं आप सारों को अपने 26 साल के तजर्बे से यह बताना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते बड़े इंसान बने, बड़ी सोच लेके आए। जब टिकट, जो मैं आपको गारंटी करता हूं, मैं अपनी दयानतदारी से टिकट दूंगा, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा, मैं सिर्फ आपसे एक चाहता हूं कि जिनको टिकट्स ना मिले खुदा का वास्ता है खड़े ना हो जाएं। इस वक्त नाजक मोड़ में पाकिस्तान की तारीख में अपनी पार्टी को ना हरा दें, नुकसान मुल्क का ना कर दें। यह मैं आपको गारंटी देता हूं कि पार्टी आप में से किसी को नहीं भूलेगी। मैं आपको इंटरव्यू भी करूंगा, कोशिश करूंगा सबको देखूं, फिर से कोशिश करूंगा अपनी ईमानदारी से, लेकिन पार्टी जो भी होगा फैसला, आपने पार्टी का हिस्सा रहना और समझना है कि आप ये जहाद लड़ रहे हैं। ये समझ रहे हैं आपने कि ये अपनी जात के लिए नहीं आप कर रहे हैं। इस वक्त जिधर पाकिस्तान खड़ा है, अगर हम इस वक्त सही माने में जद्दोजहद कर गए, हम इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे और अपने बच्चों की, अपने आने वाली नस्लों के लिए हम बेहतर पाकिस्तान बना देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।